चौथा रूप है वह अवस्था जिहड़े सज्जन वाहिगुरु परमेश्वर की बंदगी करके जिन्हां दी सुरत परमेश्वर के चरणों में लीन होगी, जिन्हां ने सास सास उस वाहिगुरु परमेश्वर का सिमरन किया, गुरु महाराज सच्चे पातशाह के चरणों में जुड़ के बंदगी की, उन्होंने सच्चे पातशाह महाराज कहते वह भी संत है भाई, जिन्हां ने सारी जिंदगी वाहिगुरु परमेश्वर की बंदगी की है, सच्ची सुची कमाई की है, धर्म का प्रचार किया, हक सच की कमाई करके लोड़वंद आवाज उठाई है, सच से पहरा दिता, सिद्धांत समझौता नहीं किया, जान की बाजी ला गए, सतगुरु कहते संत है। जिन्ना सास ग्रास न विसरे हर नामा मन मंत, कहने जेडे हर एक सह नाल रब नूं याद करदे आ, धन से सेई नानका पूरन सोई संत, महाराज कहते भाई वह पूर्ण संत है जेड़ा चत्तो पैर वाहिगुरु नूं याद करदा। हुण आ पंक्ति दे अर्थ इत्थे ध्यान दिओ, मैं 5 मिनट च माफी मांग के भाई साहब तों बेनती कर जावां। हुण सतगुरु कहिंदे जिन्ना सास ग्रास ना विसरै हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत, वह पूर्ण संत है। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे हुण सतगुरु महाराज तुसीं कहता वह संत है, हुण सानू पहचान किवें आवे, फिर इह किन्ने गल, क्योंकि हर एक गल मैथों नहीं पुछनी, गुरु ग्रंथ साहिब तों पुछनी, क्योंकि सिख ने अपनी जिंदगी का हर एक सवाल ही गुरु ग्रंथ साहिब तों पुछना। सतगुरु तुसीं दस दिता है, दाता जी तुसीं दस दिता भी जिहड़ा रब नूं नहीं भुलदा वह संत है, वह फिर किन्ने गा पंजाब दे अंदर, पूरे वर्ल्ड अंदर किन्ने गए। सतगुरु कहते राम संत मैं भेद किश नाही, कहते वाहेगुरु जी ते उहदे संत विच भेद नहीं हुंदा, क्योंकि वह तो एक रूप ही हो जाता, जिन्ना ना विसरै नाम से कनेहिया, भेद ना जाणो मूल साई जिहिया, वह रब वर्गे हो जाते हैं, उन्हां च भेद नहीं हुंदा, राम संत मैं भेद किश नाही। फिर सतगुरु किन्ने कहो जिहड़े संत बन गए, किन्ने का पुछगे ना, सानू टेंशन आ महाराज इत्थे ते गड्डी लंघदी है, किहदी लंघी, चाहे मंत्रियां दी लंघदी है, चाहे बाबिआं दी लंघदी है, होर तां है ही नहीं कोई। सतगुरु किन्ने का, सतगुरु कहिंदे ध्यान नाल सुनो, राम संत मैं भेद किश नाही, एक जन कई मैं लाख करोड़ी, कहिंदे लखां करोड़ां तों कोई इक है, कौन कह रिहा है, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, हुण उहदे ते जवान ही सड़ जे ना जिहड़ा कहिंदा गुरु ग्रंथ साहिब झूठ बोलदे आ। राम संत मैं भेद किश नाही, एक जन कई मैं लाख करोड़ी, हैं सतगुरु जी लखां करोड़ां च की है, बिल्कुल, जग मैं उत्तम काढ़ियां बिरले केई के, सतगुरु कहिंदे कोई बिरल है। हुण सतगुरु जी तुसीं कह रहे हो लखां करोड़ां च इक है, पंजाब दी पापूलेशन है 2 करोड़, 2 करोड़ दे विच्चों ओह लोक मेहनत करदे हो जिहड़े सिख धर्म नूं नहीं मंनदे, थोड़े जिहे रहि गए, इन्हां विच्चों ओह मेहनत करदे हो जिन्हां ने खंडे की पहल अमृत नहीं छकिया होया, गुरु कह रहे करोड़ां च इक है, हुण उन्हां चो ओह मेहनत करदे हो जिन्हां ने खंडे की पहल नहीं ली, थोड़े जिहे रहि गए, उन्हां चो ओह मेहनत करदे हो जिन्हां ने खंडे की पहल ते लई है, कदे जपजी साहिब नहीं पढ़िया, यार सतगुरु जी पंजाब च 16,000 पड़िया फिरदा, तुसीं कहिंदे इक भी नहीं, हुण कौन गप्पी आ, चाहे जिहड़े आपे संत बने फिर दे झूठे, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब झूठा, हुण कोई बांह खड़ी करके कहे भी इन्हां चो दसो झूठा कौन है। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਢਬਾਲੀ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, 97811 90 4 3, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 16,000 ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਮਾਈਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਿੰਦਿਆ ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਐ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ। ਹੈਂ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਜੇ, ਹਰ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਐ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ।
लिख सकते सी ना गुरु ग्रंथ साहब बाणी च नहीं लिखिया। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर। धन गुरु रामदास महाराज कहते जेड़ा तुहानू गुरु की गल सुनावे जेड़ा तुहानू कथा सुनावे वह संत बाबा नहीं हुंदा तुहाडा भरा ही हुंदा। ते नाले गुरु ने सानू भरा बनाया। भाई मरदाना 38 साल गुरु नानक देव महाराज नाल रहा उन्हें आपके नाम के संत नहीं लाया। भाई मनी सिंह बंद बंद कटा गया मेरे अगे तो सूई बजे चीका निकल जाने। भाई जय सिंह खालका तो पुठा करके जो भी चमड़ी लाती सी उन्हें संत नहीं कहाया। माफ करना इतने जना खना सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते भाई वह थोड़ा भरा है वह थोड़ा मित्र कह लो एज ए फ्रेंड मतलब के आप सारे भैन भरा गुरु एक है संत परमात्मा है संत गुरु ग्रंथ साहब है। हाँ जेडे अवस्था से पहुंचे हुए हैं बाबा फरीद जी कहते उन्होंने एक निशानी यह होंगी है होन नजीक खुदा है भेत न किस है देना। कहते जेडे रब के संत बन गए ना वो फ्लैक्सा नहीं लगाते। अज दे माफ करना चाहे एक्टर के पोस्टर लग गए चाहे बाबे पोस्टर लग गए किसी का ऐ जहा हथ करके किसी का ऐ टेढ़ा जहा पोज बना के लोगों दया कंधा के पक्षा की हवा ना उड़ते हैं वे संत कहा वाले फोटो की करतूत आदि फोटो में शर्म है इन्होंने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते जो रब के नेड़े हो गया जो संत अवस्था से पहुंच गया वह किसी को भेत नहीं दिता। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चो विचार की समा हो गया भाई साहब जी पहुंच चुके हैं सो बेनती है सारिया संगत भाई जल्दी तो जल्दी गुरु दरबार में पहुंचो गुरु महाराज सच्चे पातशाह का इतिहास गुरु की बाणी विचार के लाहे प्राप्त करिए। इनिया क बेनती प्रवान करनी है कोई भी गल गुरबाणी तो गुरु सिद्धांत तो बहर हो भैन भरावों वांगू बह के गल कर सकते हो। आप किसी भी कोई मतलब शंका हो क्योंकि मैंने पता कई गल हाजम नहीं आई होनी यह क्योंकि गुरु की गल है सच सुन लिए एडा जिगरा चाहिए गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कोई जना खना नहीं सुन सकता तो सुनाने लिए भी जिगरा चाहिए। सतगुरु बख्शिश कर समत बख्शन आप सारे गुरु की बाणी का सच सुनना सीख जाइए फिर सिखी बचूगी नहीं तो तीन चीजा अज का अवदाली सिखी खत्म करने लिए नशे लच्चरवाद से संतवाद यह तीन चीजा पंजाब का बेड़ा कर करने लिए सरकारी सरप्रस्ती के हेठ एक चल रही ने इन्हों रोकने लिए आप गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जुड़ गए। दास लिए भी अरदास करनी कि सच्चे पातशाह सच बोलन सच कमाउन सच सुनाउन की समर्था बख्शन लोग लालच हंकार बड़ई प्रभुता तो बचा के सच्चे पातशाह के चरणों की सेवा ले लैन इनिया क बेनतियां प्रवान करनिया सभना का धन्यवाद। गुरु फतेह प्रवानो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।